हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस देखिए, बात करूंगा आज के बजिंग शेयर के बारे में जो है HDFC के। ट्विंस कह लीजिए या पूरा HDFC ग्रुप कह लीजिए। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं तो HDFC बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC केवल HDFC जो हाउसिंग डेवलपमेंट वाला, सारे स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली। न्यूज़ आप सभी को अब तक शायद पता चल गई होगी, नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ। HDFC और HDFC बैंक दोनों का मर्जर हुआ है। HDFC के जिसके पास भी 25 शेयर हैं उसको HDFC बैंक के 42 शेयर्स मिल जाएंगे, और उससे कम या ज़्यादा है आपके तो आप बेच सकते हो मार्केट में HDFC के शेयर और HDFC बैंक के खरीद सकते हो। और अगर आपके 25 के मल्टीपल्स में जितने भी हैं उसके सामने आपको HDFC बैंक के 42 के मल्टीपल्स में शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, मर्जर हो गया, HDFC खत्म हो जाएगा, अब HDFC बैंक रहेगा। ठीक है, अब आप देखें, मैंने सुबह HDFC बैंक के मर्जर पे भी वीडियो बनाई थी, HDFC पे भी बनाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। अब आप जो देखने वाली चीज़ है वो ये कि अब मेरे पास नए कमेंट्स जो आ रहे हैं कि हमने आज सुबह ही बाय करा और अब ये शेयर गिर रहा है, अब लॉस हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रैप हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, होगी पब्लिक, क्योंकि होता क्या है कि कोई आपके सामने न्यूज़ सामने आए और आपको नहीं पता कि वो न्यूज़ अच्छी है या बुरी है, उस पर शेयर जैसा रिएक्ट करता है आपको वही लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मर्जर होता और ये स्टॉक आपको 5% गैप डाउन मिलता तो आपकी पोर्टफोलियो में जो शेयर होते हैं आप वो भी बेचने की सोचते, क्यों, क्योंकि न्यूज़ आई, न्यूज़ के बाद गिरा शेयर, तो आपको लगता है ये नेगेटिव न्यूज़ है। न्यूज़ आई, शेयर भगा और भगता ही जा रहा है, आपने कहा ये तो भाई बहुत धमाका हो गया, अब नहीं रुकने वाला, अब तो ये HDFC छप्पड़ फाड़ देगा, 2000 रुपये आज ही हो जाएगा HDFC बैंक जो है, तो आपने खरीद लिया होगा। आप भी देखिए कहाँ हो गया, क्या हुआ है, सुबह स्टॉक 1580 पे खुला, जिसके बाद स्टॉक ने खुलने के बाद 1650 का लेवल दिया, फिर कंटिन्यू थोड़ा सा गिरा और लोगों को डराया और 1590 तक आया, फिर 1590 से जो तेजी बनी है शेयर में वो स्टॉक को 1722 रुपये तक लेके गई, 1722 रुपीज तक लेके गई, और 1722 तक लेके गई। वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा जुड़ते हुए दिख रहे हैं HDFC ट्विंस दोनों के दोनों शेयर्स में, आप देख सकते हैं। HDFC बैंक की पर्टिकुलरली बात करूं मैं, 39 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं अभी तक, एवरेज वॉल्यूम्स 8 मिलियंस के हैं, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं अभी तक। अभी 12:24 हो रहे हैं, यानी मार्केट ओपन हुए 3:10 हुए हैं और स्टॉक में 5 टाइम्स वॉल्यूम ट्रेड हो चुके, 5 गुना 5 टाइम्स वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी हैवी बाइंग सेलिंग चल रही है स्टॉक में, कितना हैवी कामकाज चल रहा है और लोग फंस रहे हैं। देखिए, मैंने मॉर्निंग में भी आपसे कहा था कि प्रॉफिट बुक जरूर करें, क्योंकि काफी लोग इंट्राडे पोजीशन बना रहे होंगे और स्टॉक इतना वॉलेटाइल है। देखिए, आपको कभी पहली बार वॉलेटाइल स्टॉक में इंट्राडे पोजीशन लेनी ही नहीं चाहिए। स्टॉक 10% ऊपर है तो आपका SL काट देगा यार, वो कभी भी SL काट के दोबारा ऊपर आ जाएगा, आपका लॉस हो गया, अब आप और रोगे कि यार अब दोबारा ऊपर आ गया। तो आपको मैंने तब भी कहा था कि ये शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आप भी प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर एक प्रॉपर SL मेंटेन करें हर 20 पॉइंट नीचे, वरना फंस सकते हो। अब हुआ क्या, देखिए मॉर्निंग में स्टॉक ऊपर गया, लोगों ने जिसने भी खरीदा इंट्राडे उन्होंने प्रॉफिट बुक करा, ठीक है, और जिसने डिलीवरी खरीदी अब वो बेच नहीं पा रहा होगा। क्यों नहीं बेच पा रहा हो, क्योंकि उसे देखिए ऑलमोस्ट 7-8% का लॉस हो रहा है अगर आप हाई से देखोगे तो। अब इंट्राडे 7% लॉस एक महीने, 7% लॉस में कौन रिटेल इन्वेस्टर शेयर को बेचता है यार, कोई नहीं बेचता, और ऐसी खबर के बाद तो कोई नहीं बेचेगा। अब आपको आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए स्टॉक में, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, तो इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपके पास स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पहुंच सके। सेकंड थिंग, अगर आपको वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर देना। अगर आप अपस्टॉक जैसे बड़े डीमेट अकाउंट, बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री अकाउंट ओपनिंग है, लाइफ टाइम AMC फ्री है। किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बात करनी हो या फिर अकाउंट ओपनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी हैंडल pandatbrothers20 पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत हो गई ये सारी बातें, आगे बढ़ते हैं। अब HDFC बैंक देखिए 1630 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है, आज का हाई 1722 है, ऊपर से ऑलमोस्ट 100 रुपये करेक्ट हो गया, और 100 रुपये 5-6% होते हैं यार, 6% होते हैं अराउंड, हम सभी ने देखा सुबह स्टॉक कहीं ना कहीं 15% तक तेज था और अभी आपको 8.5% तेज दिख रहा है, तो देख सकते हैं आप ऊपर से कितना करेक्ट हो गया। अगर सेम HDFC की देखोगे आप तो HDFC भी ऊपर 15% तक तेज था और अभी ये स्टॉक आपको 8.26% तेज दिख रहा है, तो दोनों सेम ही चलेंगे अब, क्योंकि दोनों एक हो चुके हैं, तो जितना वो गिरेगा उतना ही वो गिरेगा, जितना वो चलेगा उतना ही वो चलेगा। ठीक है, यहाँ 0. कुछ परसेंट का ऊपर नीचे हो सकता है, वो
एडजस्ट हो जाएगा शाम तक या फिर कल तक या जो भी है। वैल्यूएशन की बात करूं एचडीएफसी बैंक के, तो देखिए 25 के पी पे कोई महंगा शेयर नहीं है, बहुत सस्ता शेयर है। ब्रोकरेज हाउस की आज ही रिपोर्ट आई है 2000 की, और पहले भी जितनी भी रिपोर्ट चल रही है वो 2000 रुपए की है। आज हम सभी ने देखा कि इसका जो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट है वो किस तरीके से इंप्रूव होती हुई, कासा रेट कहीं ना कहीं 48% पे आ चुका है, ठीक है। तो डिपॉजिट रेट कहीं ना कहीं 16% से ग्रो होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं लोन बुक भी 16-17% की ग्रो हुई है। तो काफी शानदार बैलेंस शीट है, कहीं ना कहीं सामने जो भी नंबर्स आए वो बहुत ही ज्यादा शानदार थे। लेकिन आपने आज बाय कर लिया और इंट्राडे लॉस हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना चाहिए, अभी आपको एसएल मेंटेन करना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए 1650 रुपए पे, मैंने आपको सुबह भी बोला था 1580, ये स्टॉक 1520 से 1540 पे ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करता था, और आज जो गैप अप ओपन हुआ है वो उस रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, यानी कि वहां पे गैप छोड़ दिया स्टॉक ने। अब वो गैप या तो स्टॉक फिल करने जाएगा, फिल करने गया तो ठीक है, नॉर्मल मतलब फिर ना रेजिस्टेंस रह गया ना वो सपोर्ट रह गया, लेकिन अगर वो गैप फिल नहीं होता तो बहुत अच्छा रहेगा। और स्टॉक जिस हिसाब से नीचे आ रहा है, गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे में बड़े लेवल्स आ सकते हैं। मैं आपको एक पिछला सिनेरियो बता दूं, पिछला सीन बता दूं इसी तरीके का, आपको याद होगा जी और सोनी का जब मर्जर हुआ था तो स्टॉक एक दिन में 50% भागा था जी का, आपको याद होगा। तो क्या पहुंचा था स्टॉक 450 रुपए पे, 700-800 ऐसे ऐसे टारगेट आ रहे थे। वो आते हैं यार, स्टॉक ऊपर आता है तो एनालिस्ट के टारगेट आएंगे, सब बुलिश हो जाएंगे, फंडामेंटल चेंज नहीं हुए, वही आज है बैलेंस शीट, वही कल थी, मर्जर हो गया, बहुत अच्छी खबर है। बट आप एक दिन में 15% चढ़ गया स्टॉक, भाई लार्ज कैप है, कोई स्मॉल कैप तो है नहीं, लार्ज कैप 15% बढ़ गया, निफ्टी को अकेला 500 पॉइंट खींच के ले गया ये। तो थोड़ा सा अपने दिमाग से काम करें, पेशेंस रखें, और हाँ प्रॉफिट बुक जरूर करें। लेकिन अगर आपको इंट्राडे लॉस हो रहा है, आप कह रहे हो मैं यार लाइफ टाइम के लिए खरीदना चाह रहा हूँ क्योंकि, तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक, आपको आगे चल के 2100 रुपए के लेवल जरूर दिखाएगा। तो मेरा भी पॉजिटिव है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए, और आपकी पोजीशन है और प्रॉफिट में आप, तो या तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप एक प्रॉपर मेंटेन करें एसएल। और अगर आप एसएल पूछोगे मेरे से तो 1580 रुपए का वो जो आज की ओपनिंग प्राइस थी। तो ये मेरी वीडियो एचडीएफसी बैंक शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।